सागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। भाई गड़ा बिल्कुल बैठ चुका है। परसों ऐसे ही मंदिर गए, बारिश हो गई थी, आके जो नहाई धोई हूँ ना बस, परसों तो ही फिर दिक्कत हो गई है भाई गले में। मेरा बड़ा लड़का कह रहा, मम्मी आ तो आप मौसी की तरह बोल रहे हो, मेरी बहन की आवाज़ ऐसी है निकला है ना, कह रहे मम्मी बिल्कुल मौसी की तरह बोल रहे हो। तो बाद में कह रहा, अच्छा मौसी ठीक है अभी ला रहा हूँ मौसी, मौसी और कैसे हंस रहा है। तो दीदी आज आपकी तरह गड़ा होगा भाई, मेरा बिल्कुल बंद हो गया है, आवाज़ ही नहीं निकल रही, समझ में ना आ रही कि बात कैसे करूँ, क्योंकि बात भी कर रही तो जोर पड़ रहा मेरे पे गले में। और वैसे तो आप ठीक ही होंगे दीदी, वो पता हो। तो भाई बच्चे चले गए भाई स्कूल, आज बड़ी बेटी का, मतलब बेटी तो एक ही है, उसका पेपर है आज, तो गई है भाई पेपर देने, आ जाएगी 11:30 बजे। जूनियर नागर साहब और सीनियर नागर साहब का फुल डे है। सीनियर नागर साहब का वही भाई स्कूल में जो फंक्शन चल रहा है फिलहाल, आज जो उसका शायद कंप्लीट है वो, तो आज भी वो कुर्ता पजामा ही पहन के गया घर से। ये नागर साहब है अभी ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इसलिए ना दिखा रही मैंने, जब ये ब्रेकफास्ट कर लेंगे फिर बात करेंगे आपसे। भाई मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई अपने लिए इडली, और बच्चे इनके लिए बनाए जवा छके हुए आगे। राम राम जी, सब बड़े बूढ़े भाई ने सब ने राम राम। ठीक हो आप लोग, कैसे और सुनाओ जी, बताओ। वेलकम बैक टू माय चैनल, मतलब इनको चैनल यूट्यूब नागर व्लॉग। ठीक है जी, और सुनाओ कैसे हाल चाल आपके, मुँह तो मिलने को बेचैन की है आप, मैं फिर दोबारा आ गया आपके सामने वापस। और सुनाओ, दो तीन दिन तबीयत खराब है, अब आज थोड़ा कल से ठीक है, मामला गोली की नोखाई मैंने नहीं, ठीक हो जाऊँ मैं तो, खैर मुँह गोली खड़ी जा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा ही परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब जाकर, मैं थोड़ा तो छोटी मोटी टेबलेट लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता, इसलिए मैं थोड़ा एक्सरसाइज से थोड़ा अपना मतलब खाना पीना कम करके जैसे भी मैं करता हूँ वैसे ठीक कर लेता हूँ अपने आप को, अंदर से ठीक करता हूँ। भैया साड़ी के फ़ोन आया हो एक दिन, नुगेरी भाई जीजा तुम्हारे ब्लॉग बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें तो हमें नाम ले लूँगा गुण सी हूँ, नहीं तो समझे करो आज रात में फिर धड़ाधड़ हो जाएगी। हाँ जी देखिए कॉम कर रहे भाई, यूमो पे कॉम करती नहीं देखी जाए, लगा अब एक वो लगानी पड़ेगी, वो एक की कमी रहेगी अब बस। देखिए वो लक्ष्मी में ऐसे बर्तन मोन देख रहे हैं कोई, वही लक्ष्मी है और क्या। भाई मेरे जो जूनियर नागर साहब है ना, वो कहता मम्मी वो काम वाली से सारे काम करो, भाई बर्तन में धुलाए करो, तो इसलिए कोई बर्तन में खुद ही दूँ, किचन भी मैं खुद ही साफ करूँ। हमारी फूफी की तरह है वो बर्तन, एक बार मैंने लगा ली जो मेरे पैर में, मतलब हमारी बुआ पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, तो मैंने लगा ली बर्तन भी धुलवा लिए, और बर्तन धो के ना मेरी मुझे खाजा कराया, फिर धुलवा रहे अब इससे बर्तन, बेचारी भाग गई। ओ पापा हमारे पापा, जो दूसरी लगाई है ना बस झाड़ू पोछे के लिए, बाकी डस्टिंग झाड़ू पोछा सब मैं करूं, सॉरी बर्तन बर्तन मैं करूं। छोटी वाली जो जोन लड़का है ना वो हमारे पापा फूफी, चलो वो उसे किसी को पसंद नहीं है, बाहर को आदमी हाथ लगा खाने पीने की चीजें में या वैसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उसको, कहता है खाना और बर्तन सिर्फ आप करोगे या दीदी करेगी, काम वाली नहीं करेगी, चाहे आप कपड़े धुलाओ कुछ भी करो, लेकिन बस ये दो काम आप करो, खाना और बर्तन, तो भाई ये दोनों अम्मा बेटी करे, बाकी और काम तो काम वाली करे। अच्छा करेगी, झाड़ू पोछा करे, बाकी तो मैं ही करूँ डस्टिंग वस्टिंग सब। ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो बोल रहे मुंह पे ना देखी जाती, इसे ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ एकदम झूठ सफेद। कल मैंने सारे दिन काम करा, इन्हें एक बार भी नूना गई, तू आराम कर ले बैठ जा। ए भगवान तू ही कहता कुछ आता, और उल्टा हाँ नू और कह रहे मोते ऐसा मत कर, अगर काम करेगी तो चलती रहेगी, हाथ पैर ठीक रहेंगे, ऐसे डायलॉग मारा है ना भाई। सुनो देखो, जब आदमी काम करते रहना चाहिए, नौ करे तो आदमी क्या, आदमी एक मशीन की तरह है समझे, अगर वो पड़ो रहेगा पड़ो रहेगा जम हो जाएगा, इसलिए काम करते रहना चाहिए आदमी, नौ करेगा तो अपना खोएगा, डॉक्टर के चक्कर काटेगा, फिर डॉक्टर क्या कहेंगे, भाई थोड़ी शरीर को एक्सरसाइज करो, घूमने जाओ, ये करो वो करो, वो भी यही चीज़ बताएंगे, तो इसलिए पहले से पहले आदमी को तैयार रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए, उम्र कितने उम्र के साथ चलते रहना चाहिए साहब, फिर काम फिर काम फिर, अब एकदम से काम कर देगा तो दिक्कत ही दिक्कत है, फिर शरीर गोली खाएगा और न खाओ कुछ भी, इसलिए शरीर पे जितना कष्ट करो जा बहुत ज़्यादा उतना बढ़िया तुम्हारा शरीर रहेगा। ठीक है जी, मैं तो खैर फिट हो रहा हूँ,
मेरी कोई बात दिक्कत नहीं है, मामला फिट है। हंसी आके राज देख रहे हो या? ये सब तुम्हें दिखाने को डायलॉग बाजी है। अच्छा, जब भी मैं कहूँ ना पूरे काम के लिए कमर लगा लू, कह तो देंगे लगा ले, मुझे ना पता, तेरी मर्जी। और फिर जब मैं करूंगी ना, जब पता कहेंगे मुझे जूनी ना का है ना, बाकी पिन मारते रहे मैं। हाँ तुम, और वो आगे पता है बाकी बात तो फिर मानेगी, वो ऐसा दिमाग से अटका दे कि मो कम्बल हटानी पड़े फिर। ठीक है जी, ठीक है, इतनी है जी बस आज। तो गाइज मैंने कर लिया पूजा, मैं कराती हूँ आपको अपने ठाकुर जी के दर्शन। तो गाइज यूरो मेरा लड्डू, ये है भाई मेरा पूरा दरबार। आज लड्डू खा रहा है इडली। ये राधे कृष्ण है, राम दरबार है, ये शिव परिवार है, बजरंगबली बाबा है। भाई आज मैंने इडली बनाई ब्रेकफास्ट में, तो लड्डू इडली खा रहा, देखो दूध और इडली। ये बैठा रोटी सब, बाकी ये प्रभु जी है भाई, ठाकुर जी। ये मेरे प्रभु स्वामी नारायण, ये माँ है। माँ की माला हटा दी भाई, नागर साहब ने ब्लॉग देखाया तो कह रहे तेने तो मेरा रोस्ट कर रखा, पहले तेरी माला हटाऊ माँ की। तो भाई माँ की माला हट चुकी है, और अब माँ तो खैर है ही सुंदर, क्या बोलूं। और भाई 10:15 बज चुके हैं, अब देखते हैं पूरे दिन का की व्यू क्या है, कैसे है। कपड़े धूप निकल गई अच्छी, तो भाई जो मैंने कल कपड़े धोए वो सारे फैला दिए खोल खोल के, जो सूख गए वो हटा दिए। बाकी पूरे दिन का दिखाऊंगी आप पे क्या बनाते हैं क्या करते हैं सब दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे फिर। राम राम जी, सब बड़े बूढ़े भाई ने, राम राम, सब ठीक ठाक जी, कैसे हाल चाल है सब? पब्लिक मुझे देख रही, पता नहीं कहाँ चाह है, लौंडे मेरी ऊपर भी देखती नहीं है। चलो तेन नीचे चल से आओ। तो भाई साहब ये छोटा सा एक स्टोर बनाया हुआ है, यहाँ को क्या नाम है इस, या इसके सामने ही बनाया हुआ छोटा सा। ये जो अपना जो थोड़ा बहुत मतलब स्टोर में अपना सामान होता वो आ जाएगा इसमें, अभी लगाया। ये पेड़ पौधे तो बाहर आ जाएंगे सब, अभी तोड़ ताड़ कर तैयार चल रहा काम, तोड़ ताड़ हो रही है अंदर। ये तोड़ दिए, ये सामान, ये वाला सामान आया वो सब यहाँ में। अभी ये दीवार निकलेगी, जो यू वाली दीवार ये निकलेगी, इंगे तो निकल चुकी है ठीक है। बस अभी ये तैयार होने वाला है, हमें डेंटिंग पेंटिंग। और पूरन जी ठेकेदार साहब कहाँ फोन आओ, किसको आओ? अरे वो ही तो खड़े हो पहले, और दोनों हाथन जोड़ के बात कर नुका। हाँ मेरा नाम क्या है तुम्हारा, बता पूरा एड्रेस, क्या काम करे करो? पूरन राजस्थान। अरे बता तो भागे मत बता, इन्हों सुनाएगा भैया, ये तो शर्मा रहा है, हमें ही करनी पड़ेगी वीडियो भी पूरी। ठीक है जी, अब चलते नीचे, कुछ ना आज पैसा मांग लो भैया, हम पे ही ना आज ना, ठीक है जी। अब आगे नीचे नीचे आ चुके हैं जी, मैं तो अब क्या बता, ठीक है आ गए हम। यू हमारा एक लड़का है, अब रोम रोम करेगा छू के पैर, देखो जी स्मार्ट लड़का, स्मार्ट बॉय कहते हैं इसको। हाँ जी अपना इंट्रोडक्शन दो थोड़ा सा, ऐ ना बोलने को कुछ भैया, ये लड़का आया हमारा, ठीक है जी, किसी और को नहीं हमारा ये। और कौन छो बट नागर साहब कौन गए वॉशरूम में घुस को, कौन आगो कौन कहा के रहो देखेंगे को। तो गाइस मैं आई हूँ अपने जेठ के घर, भाई मेरे जेठ के बेटे की आज बर्थडे है, तो हम छोटी सी पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें हमारी नई बहू भी है, हमारी सासू माँ भी है, मेरी फैमिली है, मैं अपनी पूरी फैमिली खाऊंगी, जो मेरी मेरी नागर परिवार की फैमिली, अपनी अपना परिवार। तो भाई सारी फैमिली हैगी और सेलिब्रेट करेंगे, छोटी सी पार्टी है पर आप सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ये हमारी माँ जी देखो हंस रही है, है ना माँ? आज हम बाप तुम्हारे पोते के जन्मदिन मना रहे हैं ना, मना लो, मना लो, मना लो। राम राम तो कर दो, राम राम बेटा, आशीर्वाद दे दो सबे, राम राम बेटा। भाई हमारी सासू माँ है, आज इनके पोते का जन्मदिन है, तो हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बेचारी खुश है कि भाई मेरी मेरी बहू भी है, फिर पोते की बहू भी है, तो भाई आज तो समझे मूड का प्यारा भी, आज इनने तो खुशी अलग है कि पूरी फैमिली है, अच्छा लग रहा है। तो भाई आज माँ जी के साथ करते हैं ब्लॉग शुरू, बाकी आप दिखाएंगे, अभी स्टार्टिंग हो रही है भाई, केक की कटिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर मिलते हैं। यू माय लाडली बेटी,
जैनम, मेरी बेटी, मेरे लाडम, ये बहुत प्यार कर रहे हैं भाई मोता इनू क्या है, मेरी बेस्ट आंटी है यू और क्या, और यू ये कजन जाता है मेरी लौंडिया बतलाती रहे यू यू बेस्टी। तो भाई अब करेंगे केक कटिंग की तैयारी चल रही, मैं आपको केक दिखाती हूँ। भाई हमारी दीदी बैठ गई है, तैयारी चल रही है हमारी, तेरी हमारी दीदी, इन्हीं के बेटे का बर्थडे है भाई। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बर्थडे विश करें, आशीर्वाद दें हमारे बच्चे है, और कमेंट करें कि हमारा बर्थडे पार्टी आप छोटी सी कैसे अच्छी लगी मेरी फैमिली की। भाई आप केक दिखाते हो और अपना बेटा दिखाते हो जिसको बर्थडे। तो भाई ये रहा मेरा लाडू, ये मेरा बेटा, इसको बर्थडे है भाई, सब इसके लिए कमेंट करें, विश करें। और भाई दिखाते हैं अपना केक जो हमारे बर्थडे पार्टी को। तो भाई युवा हमारा बेटा, बड़ा बेटा जिसको बर्थडे उससे बड़ा है, इसी की भाई शादी हुई थी, इसकी जो दिखाया था मैंने सब। अरे हंस भी देख रहे ब्लॉगर में है बोले से, ये सारे सूदे सूदे से प्यारे प्यारे। भाई अब दिखाएंगे आप जो केक कटिंग होगी। भाई वो हमारी बड़ी दीदी है, मेरी बड़ी जिठानी, वो भाई है, देखो पटाखा पड़गा ये यू सबसे बड़ी है घर में, मैं सबसे छोटी हूँ। अरे वो जो दीदी है हमारे बीच की है, उनके बेटे को बर्थडे है। गाइस जी मेरा लौंडा वो सजेशन कर रहा कि आप जिम जाओ, अभी मैं मेरी जिठौनी बैठे खाट टूट गई, हमारा करो आप जिम जाओ, अभी आपको यू होता है मेरी पर्सनल जिम मिल रही है बिल्कुल पक्का, पूरी फैमिली की जिम है यू जो खाट ही मैं क्या हुआ, मैं बैठ गई अब आप पता हूँ मैं तो, खैर कोई बात ना, जिम जाऊँ कोई दिक्कत ना हो, वो बात आप कट कर देना, जैसे कि आप मैंने बताया डाइट वाइट कर रही हूँ, और डाइट कुछ ज्यादा प्रोटीन बढ़ गो, मैं यहाँ घाट में बैठ गई और भाई गैल में मेरी जिठौनी बैठ गई। अब बताओ मेरे बैठने तो नहीं टूटी, एक बैठने टूटे, वजन किस में, वजन यहाँ में, अब भाई टूट गई तो टूट गई, आज हमारे बेटा की यादगार में रहेगी वो खाट। क्यों भाई हुआ मेरे लौंडा, यहाँ के जन्मदिन और यहाँ के जन्मदिन में खाट टूटी, याद रहेगा ये ब्लॉग हमेशा। भाई हमारा एक पर्सनल बहुत ही फेवरेट मेंबर है घर का, तो मेरी सासू माँ बार बार नाराज हो रही है कि तू सबका कर रही है, पर हमारे फेवरेट पर्सनल जो हमारा का मेंबर है वाके पाको नहीं बढ़ रहा, तो वह भाई हमारा डॉगी पाको नाम है एली, वो भाई फीमेल है, बाकी ऐप दिखा रही हूँ मैं एली, ए यू एली ना करे, देखो ये देखो, अरे दादी देख कर राजी हो रही है, देख देख देखो भाई देखो ए या के अभी आने ही एक ही धागो सा है उधेड़ के सुसरे के पता ना कहा बढ़ा दिया और कैडी पड़ रही है कतई, माँ जी देख लो आ रही है, माँ जी कतई यार धमका धमका टाइट कर रही है, बैठ जा बैठ बैठ, माँ जी की क्लास लगाया ना जब सेट हो जाए, अभी जो हमारी दीदी है ना बड़ी वाली आए ना समझाई अली कुछ भी छाती पे चढ़ जा तो मैं बड़ा मम्मी दे या नहीं लट्टू सो धागो यो उधेड़ उधेड़ के ना कहा जाने कर रहा है। तो भाई हमारा ओवर डिनर हमने खाए छोले पूरी, मेरी जिठानी ने बनाई वो इतनी टेस्टी सब्जी, इतनी टेस्टी सब्जी, बस मैं क्या बताऊं आप है भाई रेस्टोरेंट से ला, मैं तो दीदी के मुंह पे गई, दीदी बहुत ही टेस्टी है, मेरा बड़ा लड़का होता ना जो सीनियर नागर साहब, तो वो कहते हैं कि वाह मम्मी वाह क्या सब्जी बनाई है क्या छोले बनाए,
पूरी भी बहुत अच्छी थी, दीदी बता रही थी काफी सारी वो डाले सामान पूरी में भी, पर पूरी भी नरम थी, सॉफ्ट सॉफ्ट थी, बहुत ही अच्छा खाना है भाई। बाकी हम सारे बैठे अब डिनर करेंगे, यू मेरी बेटी है, यू टीवी के मारे परेशान है, और ये हमारी सासू माँ बैठी है भाई, हमने सबने खाना खा लिया, हाय कर दो एक बार। तो भाई हमने सब खाना वाना खा लिया, ये हमारी बैठी बैठी इन्हीं के बेटे का बर्थडे है, इन्हें ही बनाए छोले पूरी का, छोले पूरी ये लटगड़ का कहते मजा आएगा खाना खाने में, मतलब छोटी सी फैमिली है हमारी और छोटे छोटे फंक्शन हम इंजॉय करें, बड़ी मम्मी ने मॉल बना दिया गाइस, बहुत ज्यादा मॉल बना दिया भाई, ये हम तीन तीनों तबाही बहुत बढ़िया है, हम तीनों बाकी तो देखी जाएगी जो होगा सब बढ़िया, एक यू है, हम तीन है भाई, तीन मेरी आगे पूकी गई है का पूकी ना गई पूकी गई पूकी आगे पूकी गई है भाई, अभी आगे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम, मेरी जिठानी ने मुझे इनवाइट कराया कि भाई तो आप तुझे आना भी बर्थडे पे भी नौ भी करते हम तो जब भी आते खैर मिलौंडी आए हम हमको इधर आए नौ बिना हम तो बिना बुलाए नहीं आए, इनकी बेटी हम चंचल तो भाई अब इसका बर्थडे आ रहा है तो अब उस पे सेलिब्रेट करेंगे भाई, बहुत मजा आया, इतना एंजॉय करा, केक इतना अच्छा है, पाइन एप्पल का मेरा फेवरेट है, अब मैं दीदी कैसे बताऊं कि मेरा फेवरेट है, दीदी कह रही कैसा लग रहा केक, मैं दीदी बहुत अच्छा केक है क्योंकि पाइन एप्पल मेरा फ्लेवर है, मुझे पसंद है, तो सब्जी छोले पूरी टेस्ट ऐसा है, मेरी भाभी बना रहे ऐसी सब्जी, ऐसी छोले की सब्जी सेम ही टेस्ट रहा, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी भाई, रेसिपी बता दो मेरे गाइस, रेसिपी बता दो क्या क्या रेसिपी नहीं बताएगी हमारी दीदी, सरप्राइज है, रेसिपी नहीं बताऊंगी, रेसिपी दीदी है मेरी, हम दोनों बैंड करेंगे जिम और ऐसा उधेड़ देंगे जिम, बस जिम पर जान दो नागर साहब, जिम बढ़वा रहे कल अपनी भाभी के मारे राजी हो रहे, वो तो कह रहे मेरी भाभी कह रही मैं करूंगी जिम, अब और जल्दी तैयारी होएगी जिम की, मन की बहुत बढ़िया मैंने की सही है, तो मैं कह रहा तू ना मेरी भाभी करेगी जिम, ठीक है तुम्हारी भाभी करेगी अब जिम, नागर साहब तुम्हारी भाभी का राजी हो रही जिम के बारे, तो भाई फिर मिलते हैं आपसे, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, नौचे जाएंगे फिर अपने घर चलेंगे, फिर घर मिलेंगे आपसे। तो गाइस आ गई भाई मैं अपनी जेठानी के घर से, बहुत अच्छा लगा, हमने छोटी सी पार्टी रखी थी, छोटी सी बस बच्चे हम तीनों, दौरानी जिठानी हमारी सास, बच्चे सारे, बहू बेटी जो भी सब थे हम, बहुत अच्छा लगा भाई। तो भाई आज का ब्लॉग करती हूँ एंड, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, थैंक यू।